أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه سورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتهي النبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمعاصر الكاظمية والحجج الرزوية والزهد التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون مسلسل آپ حضرات نعرہ تلوار رحمت فرماتے رہے آپ پہلی محرم سے آج تک اور اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کے باوجود میں کوشش کرتا رہا کہ سلسلہ علالت کے ساتھ ساتھ تقریریں بھی بہرحال جاری رہیں جب تک قوت ساتھ دے اور جب تک یارائے طلاقت ہو اس فریضے کو ادا ہونا چاہیے الحمد للہ یہ دن پورے ہوئے اور آپ نے
गम व हम की घड़ियों को खत्म करके आज अपने आप को आपने शब ईद में पाया। जाहिर है कि मैं अपने अफकार में, अपनी तकरीरों में मुसलसल हूं और मुझे इस तसलसल की इसलिए फिक्र रहती है कि जहां जहां तकरीरें होती हैं वहां तकरीरें महफूज कर ली जाती हैं। तो हम चूंकि इस सिलसिले की आखिरी तकरीर कर रहे हैं और कल जिसका इल्म आपको हुआ होगा कि अपनी गैर कतई और गैर यकीनी सेहत के बिना पर मुझे इंतहाई इख्तसार से काम लेना पड़ा था, आज मैं सबसे पहले उसी गुफ्तगू से मुसलसल हो जाना चाहता हूं। एक मुख्तसर सा जुमला है तमहीद में, जिसको आप गुज़िश्ता साल रजब की 12 को नश्तर पार्क में मुझसे सुन चुके थे कि इन्ना लिल्लाहि इबादन यख्तस्सुहुम बिन्नियम, अल्लाह के लिए चंद बंदे होते हैं जिनको वो अपनी नेमतों से मखसूस कर लेता है। इज़ा मा बज़लूहा फी मा यजिब युकिर्रहा फी अईदीह, जब तक वो बज़लो करमो अताओ बख्शिश से काम लेते रहते हैं, मैं तो नेमतों को दे रहा हूं मगर जब तक वो देते रहते हैं मैं उस घराने में उस नेमतों को बाकी रखता हूं। मैं उस घराने में उस नेमतों को बाकी रखता हूं जब तक कि वो भी अता और बज़लो जूद से काम लेते हैं, और अगर किसी का हाथ रुक गया तो मैं नेमत का तहव्वुल चाहता हूं, नेमत को बदल देता हूं, किसी दूसरे हाथ के हवाले कर देता हूं, जब वो रोक रहा है तुम लेके आगे बढ़ जाओ। तो ऐसी मंजिल पर ये एक ऐसा गहरा अमीर बलीग इशारा है मेरे मौला आका का कि जहां अपना तआरुफ करवाया है कि देखो अल्लाह ने हमको नेमतों से मखसूस किया और हम दे रहे हैं, हाथ हमारा रुकता ही नहीं है, नेमतों को हम रोकते नहीं हैं। तुम दुरूद पढ़ के हम पर रहमतों को तलब करते हो, हम रहमतों को तकसीम करते जा रहे हैं। हम रहमतों को तकसीम करते जाते हैं, इसलिए खजाने रहमत पर रहमतों की बारिश में कभी कमी नहीं होती, नियमतें हमारे घर में आके रुकती नहीं है। एक अजीब सिलसिले से यह गुफ्तगू कल छिड़ गई थी और उसमें आपको याद होगा मैंने एक 3 बंद हज़रत अली असगर के मर्सिये के हाल के आपको पढ़कर सुनाए थे। वो मर्सिया वाइज अली शाह का कहा हुआ है, उनका तकल्लुस था अख्तर, वाइज अली शाह का मर्सिया, और उसमें
हुसैन इब्ने अली ने बच्चे का तारुफ करवाते हुए यूं कहा, मैदान में आके मेरे सिलसिले कलाम के लिए कल से कुछ लेकर। वाइद अली शाह लिखते हैं कि यूं कहा हुसैन इब्ने अली ने कि सब पे जाहिर है इसके जद का हाल, सब पे जाहिर है इसके जद का हाल। साहिल कोर ने किया जो सवाल, नांदे ऐशह खुदिस तकसाल, बोले कंबर से आप नान निकाल, भूखा है अब न देर कर कंबर, जल्द साहिल को फेर कर कंबर। बोला वो नान है शुतर पर बार का, दे उस शुतर की उसको मैं हार। बोला वो है शुतर मियां ने कतार कहा, दे दे कतार बेटा। इसको कल भी पढ़ चुका, आज ही पढ़ रहा हूं, फकत इसलिए कि समझदार लोग अपने बच्चों को याद करवाएं। सब पे जाहिर है इसके जब का हाल, साहिल कोर ने किया जो सवाल, नान दे ऐसे है खुद इस्तकसाल, बोले कंबर से आप नान निकाल, भूखा है अपना देर कर कंबर, जल्द साहिल को शेर कर कंबर। बोला वो नान है शुतर पर बार का, दे उस शुतर की उसको मैं हार। बोला वो है शुतर मियां ने कतार का, दे दे कतार बे तकरार। सुनते ही हुक्म मीर कौसर का, छोड़कर रेसमान को सर का, छोड़कर रेसमान को सर का। यह आखिरी बंद है, पूछा मौला ने क्या सबब इसका, अर्ज की दिल में अपने मैं समझा, अर्ज की दिल में अपने मैं समझा, बहरे बख्शीश है जोश पर तेरा, मुझको दे दो तो क्या करूं मौला। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, छोड़कर रेसमान को सर का। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, अर्ज की दिल में अपने मैं समझा, बहरे बख्शी से जोश पर तेरा, मुझको दे दो तो क्या करूं मौला। ऐसे फैयाज का ये पोता है, जान पानी बगैर खोता। ये वाइद अली शाह के मर्जी के तन मन थे, मैंने कल उसको आज सिलसिले कलाम आगे बढ़ता है। हारून रशीद ने मेरे मौला आका मूसबना जाफर की खिदमत में कत्ल, अर्ज की फरजंद रसूल कल सुबह ईद नौरोज है, आप दरबार में आए और आप मेरे साथ दरबार में उस वक्त तक बैठे रहें जब तक के मैं पूरी नजरें न कबूल कर लूं। इमाम ने खत का जवाब दिया कि मैंने अपने जद के आसार में गौर किया, मैंने अपने जद के आसार में गौर किया, मेरे जद के इरशादात में इस ईद का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैं आने से कासिर। उसने फिर जवाब दिया कि फरजंदे रसूल आपका नाना पाशाह वक्त की तौहीन है, इसलिए आपको इस हुक्म को मानना ही पड़ेगा। इरशाद फरमाया कि जब यह जबर है तो आऊंगा। पहुंचे दरबार में, एक जगह इमाम के लिए कुर्सी डाल दी गई और एक मरतबा ईद के नजराने शुरू हुए। तो रावी कहता है कि पहले लश्कर ने नजराने दिए, असाती ने दौलत ने नजराने दिए, अराकी ने हुकूमत ने नजराने दिए, वजरा ने नजराने दिए, वजीर कबीर ने नजराना दिया, सुफरा ने नजराने दिए और उसके बाद बाहर के जितने रहने वाले जो उस वक्त बगदाद में तिजारत कर रहे थे उन्होंने नजराने पेश करने की इज्जत हासिल की और ऐसा मालूम होता था कि जमीन से लेके दरबार की छत तक ढेर लग गया, नजरानों का एक ढेर। शाम हो गई, बादशाह उठ खड़ा हो गया,
तो हाजिब ने कहा कि अमीर, क्या ये बैतुल माल में भेज दिया जाए? कहा नहीं, मूसब नजाफर को दे दो। कहा नहीं, मूसब नजाफर को दे दो। जैसे ही उसकी जबान से जुमला निकला, एक शख्स खड़ा हो गया दरबार। कहा फरजंदे रसूल, मेरे दादा ने आपके जद हुसैन इब्न अली के लिए एक शेर कहा था। ये सिलसिला कलाम है। आपके जद के लिए शेर कहा था। फरमाया क्या शेर था? कहा उसने ये शेर कहा कि अल्लाह ताकद गजत सहामी अनाकहा मिन जिस्म कल इजलाल वल इकराम। एक शेर। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए कि वो ये कह रहा है कि फरजंदे रसूल, अगरचे मुसलसल तुझ पे तीर चल रहे थे, अगरचे मुसलसल तेरे जिस्म पे नैजे चल रहे थे, मगर मौला किसी तीर और किसी नैजे की मजाल न थी जो तेरे जिस्म से करामत और शराफत को ले। मूसब नजाफर के सामने नौरोज के दिन उस शख्स ने कहा मेरे जद ने आपके जद की तारीफ में एक शेर कहा था, और वो ये थी अल्लाह तकज़ज़त सहाम आना कहा मिन जिस्म कल इजलाल वल इकराम। आपके जिस्म से उसकी बुजुर्गी को, उसकी करामत को कोई नैजा छीन नहीं सका। तलवारें चली मगर शराफत को आपके जिस्म की तलवारें मस न कर सकी। इतना सुनना था कि ये सब ले ले। ये सब ले ले। जब हारून रशीद को इत्तला हुई कि सुबह से शाम तक का नजराना एक शेर के सिले में दे दिया, तो कहा अल्लाहु अकबर, ये घराना है जवाब। एक शेर के बदले, एक शेर के वहां साहिल के एक सवाल के बदले ऊंटों की कतार दी थी। उनके पोते ने, मूसब नजाफर ने दरबार में जालिम के उसके जमा किए हुए नजराने को एक शेर के बदले दे दिया। जाऊंगा ले जा। वो घबराया, कहा मेरा हुक्म। आदमियों को दरबार के बुलवाया गया। कल माल बरदार नाके लाए जाए, नाकों पे अमवाल को लादा गया। कल ले ले ताकि तेरा जद कयामत में कह सके कि मेरे शेर का सिला मिल गया। तो फिर वापस आइए कि अल्लाह के बंदों के लिए नेमतें मखसूस हैं। जब तक वो नेमतों को तकसीम करते रहते हैं, खुदा उन हाथों में नेमतों को बाकी रखता है। तो अब आप बतलाएं कि 1390 का रबीउल अव्वल है और नवी शब है, किस घराने में नेमतें रह गईं? किस घराने में नेमतें रह गई? कहां नेमतों का कियाम? किस घराने में आपको नेमतें नजर आती हैं? जहां नजर आती हैं वहां समझो नेमतें बट रही हैं। नेमतें बट रही हैं। इल्म की नेमत, अक्ल की नेमत, फिरासत की नेमत, रिस्क की नेमत, दीन और दुनिया की नेमतें सब वहीं से बट रही हैं। बहरहाल हम उन्हीं नेमतों के हुसूल के लिए यह देखकर कि इस खानदान में नेमतें रह गईं, और इसीलिए रह गईं कि नेमतें तकसीम होती हैं, हाथ को रोकते नहीं, तो आज ईद के दिन सब मांगने के लिए जमा। गम के दौरान क्या मांगते,
खुशी में मांगो और जो चाहो जो चाहो, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि इनसे मांगना यही है कि जो मालिक दे रहा है उसमें से दे दीजिए, यानी मांगने ही में तसव्वुर है मालिक का, जो शिर्क नहीं है। मांगने ही में तसव्वुर है खालिक का कि कोई दे रहा है। मेरी बातों को आप समझ रहे, शिर्क नहीं है। और यहाँ किताबचे पे किताबचे छप रहे हैं, रिसाले पे रिसाले शाया हो रहे हैं कि गैर खुदा से मांग लिया, गैर खुदा से मांग लिया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। तो अब जाहिर है आज की रात इन बातों से हमको क्या काम है, वही उलझे न उलझे खारों से, जिसका दिल तंग जिसकी दुनिया तंग। वही उलझे न उलझे खारों से, जिसका दिल तंग जिसकी दुनिया तंग। हमने तो आजम कर लिया है, हमने तो आजम कर लिया है कि अब इस दर से हटना नहीं है, इस घर से हटना नहीं है, खास कयामत तक इंतजार करना पड़े। अब इस दरवाजे से हटना नहीं है, अच्छी बातें हैं, अच्छा जिक्र है। हमारा तो ये आलम है, अपना हाथ अपना गरीबा, अपना सौदा अपना सर, अपना हाथ अपना गरीबा, अपना सौदा अपना सर। इस्तकारा कर चुके पाबंदे फरमाने बहार, इस्तकारा कर चुके पाबंदे फरमाने बहार, खार और गुल दोनों को अपने बागपन पर नाज है। कारोगुल दोनों को अपने बागपन पर नाज है। देखिए हाथ रहता है किसके, देखिए दामाने बहार, कारोगुल दोनों को अपने बागपन पर नाज है। और यह दामाने बहार जिसको मिले, खार भी मुसलसल इसी तवक्को में है, गुल भी इसी तवक्को में है, खारो गुल दोनों को अपने बागपन पर नाज है। देखिए रहता है किसके हाथ दामाने बहार, देखिए रहता है किसके हाथ दामाने बहार। हम इंतजार में हैं, दुनिया थक चुकी, हाफिज ने कहा, हाफिज ने कहा एक लफ्ज है जिसपे इतना रुकना पड़ा, उसको आम पढ़ने वाले मर्दुम कहते हैं और असली लफ्ज है मुर्दम, यानी मैं मर गया। मर्दुम यानी खलायक, मुर्दम दर इंतजारो पसे पर्दा राहनीस, यहां इंतजार में मर गया, पर्दे के अंदर जाने का रास्ता नहीं है,
مردم در انتظارو پس پردہ راہ نیز یا ہستو پردہ دار نشانم نمی دہت یا راستہ ہے مگر پردہ دار نشان نہیں بتاتا کہ کدھر سے آنا ہے حافظ مردم در انتظارو پسے پردہ راہ نیز یا ہستو پردہ دار نشانم نمی دہت اور ایک منزل عجیب ہے کہ دنیا کی حماقتوں کو دیکھ کے دنیا کی ناداریوں کو اور نادانیوں کو دیکھ کے اقبال نے ایک شعر کہا ہے مجھے اس شعر کے پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا میں نے اوپر کے تین شعر پڑھے تھے اور آخر کا شعر ہمیشہ میں روک رہا تھا کہ کبھی فرصت ملے تو سمجھا کے اس کو پڑھوں تو وہ پہلے شعر یہ ہیں کہ مجذوب فرنگی نے باندھا دے فرنگی یعنی پروفیسر نیکشے مجذوب فرنگی نے باندھا دے فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو وطن تباہ ہو چکا تھا تو اس نے انسان کامل کا تصور دیا اور کہا ایک انسان کامل آ رہا ہے انسان کامل آ رہا ہے استعداد پیدا کرو شاید تم میں سے کوئی ہو جائے یہ اقبال ہے مجذوب فرنگی نے باندھا دے فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو اے تو کہ مہدی کے تقیل ہی سے بیدار محروم نرک آہو یا مشکی سے قطن کو یہ دو شعر تو ہمیشہ میں نے پڑھے ہیں یہ تیسرا شعر اسی کا ہے مگر آج پڑھ رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہتے ہیں اس دنیا کا یہ حال ہے ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے نادان کے کفن کو وہ یا تو یہ کرتے ہیں کہ جو مر جائے اس کا کفن چاک کرتے ہیں اور جو حقیقت میں زندہ ہے اس کو میت سمجھ رہے ہیں بہت ہی بلیغ شعر ہے فلسفے کے کمال پر ہے ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو ہر موڑ پہ ایک قبر ہے ہر جگہ ایک خانخواہ ہے یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو ہر جگہ عرس ہے ہر جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مگر جو مرکز عالم ہے جو زندہ ہے اور کفن پہنے ہوئے ہے اقبال کی نگاہ ہو زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں یا چاک کریں مرد کے ناداں کے کفن کو بہرحال اگر یہ فکر ساتھ ہے کہ انسانیت اس گھرانے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں جہاں سے نعمتیں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کا ایک راستہ ہے بے فیض عالم نہیں اور بے واسطہ فیض نہیں بے فائض عالم نہیں عالم بے فائض الہی نہیں ہے مگر بے واسطہ فائض نہیں ہے ابر ہو تو بارش ہو ایکائک کوئی انڈیل دیتا نہیں ہے پانی ہوا چلے تو ابر حرکت کرے زمین زرخیز ہو تو لہلہائے کھیتی
माँ बाप हो तो औलाद हो, वास्ता न हो तो फैज नहीं, और अगर फैज मिल रहा है तो कोई है जो नजर नहीं आता। किसी घराने पर निगाह है, कोई फैज को तकसीम कर रहा है। अब ये फिक्र कि पर्दे में है तो फायदा क्या है, तो बादल के पीछे आफताब जाए तो नुकसान क्या है। आफताब बादल के पीछे है, दिन की रोशनी पे असर क्या है। पर्दे के पीछे वो गया, उसी से तो वजूद है, उसी से तो हयात है। तो अतामरुल्लाह सूरह नहल की पहली आयत, फला तस्तअजिलूहु, जल्दी न करो, आ गया अम्र खुदा सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, वो बुलंद है, बरतर है तुम्हारे हर शिर्क से। सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, युनज्जिलु अल मलाइकता बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशा मिन इबादिह, वो नाजिल करता है मलाइका को रूह के साथ अपना अम्र देके जिस बंदे को वो मुनासिब समझता है उस पर। ये सूरह कदर की आयत नहीं पढ़ रहा हूं, सूरह नहल की आयत पढ़ रहा हूं। अता अमरुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अता अमरुल्लाह फला तस्तअजिलूहु सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, युनज्जिलुल मलाइकता बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशा मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, ताकि वो बंदा डराए कि सिवा मेरे कोई खुदा नहीं है। आयत समझ में आ रही है कुछ, फिर पढ़ूं। हम नाजिल करते हैं मलाइका के साथ रूह को अपना अम्र देकर, बंदों में से जिसको पसंद करते हैं उस पर, ताकि वो डराए कि खुदा एक है। तो अब तो समझो तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। आप फकत मांगने की मंजिल पर समझ रहे हैं कि शिर्क है। आप फकत मांगने की मंजिल पर समझ रहे हैं कि शिर्क है, और जाते वाजिब ये कह रहा है कि मेरे बंदे को चुनता हूं इसीलिए कि मुझे पहचानवाए। आपने देखा, एक मंजिल पर पहुंचकर एक मरतबा फिर देखिए, हम मलाइका को नाजिल करते हैं, ये कुरान है, ये अम्र के साथ मलाइका के साथ रूह है, कहां नाजिल करते हैं, अला मन यशा मिन इबादिही, जबल तूर पे नहीं, सकफ़े खाना काबा पे नहीं, फारान की चोटियों पे नहीं, गारे हिरा में नहीं, बंदे पर। इस मजमे में कोई कह दे कि मुझसे मलाइका आए थे, पूरे पाकिस्तान के जितने करोड़ मुसलमान हैं उसमें बड़े बड़े जहांदीदा बुजुर्ग हैं, कोई ये कह दे कि शब कदर फरिश्ता मुझसे आया था, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, चीन को, जापान को, जिस जिसको मुस्लिम आबादी मिली, और फिर मुस्लिम ममालिक में उन सबको एक जगह जमा कर लीजिए, 42 करोड़ मुसलमानों में कोई दावा करता है कि मलाइका मुझ पे नाजिल होते हैं अम्र इलाही को लेके, फिर ये आयत क्या मुअत्तल हो गई, आयत का मनसूख हो गई, अला मन यशा मिन इबादिही, अपने बंदों में से हम जिसको चाहते हैं उस पर मलाइका को रूह के साथ अपना अम्र देकर नाजिल करो।
तो आपने देखा, यह है साहेब अम्र, यह है साहेब अम्र। तो ऐसी मंजिल पर खुदा अपने बंदों से काम लेता है और हम उसके बंदों से काम लेते हैं। न हमारा काम लेना शिर्क है, न उसका काम लेना खिलाफ इलाहियत है। तो अब ऐसी मंजिल पर एक और बात याद रख लें, अगर आप याद रख सकते हो, सिपा के पर्दे गैबत में अपने बंदे को मेरे खुदा ने लिया है मेरे इमाम से काम। यानी दलील बनाया अपने वजूद पर, मेरे खुदा ने लिया है मेरे इमाम से काम। तो ऐसी मंजिल पर अपनी दलील बनाया पर्दा गायब में रख के, ताकि दुनिया यह हैरान न हो कि वो गायब है, खुदाई कैसी। तो अगर यूमिनून अबिल गायब है और गायब की खुदाई साबित है, तो उसका मजहर भी कुछ दिनों के लिए पर्दे में आए तो घबराने का मकाम क्या है, घबराने का मकाम क्या है। बात सिर्फ इतनी है अजीजो कि मसला था नाजुक, बड़ा नाजुक मसला। ये माजी की बात नहीं है कि जहां तारीख जिसको चाहे अमीरुल मोमिनीन कर दे। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं, मुतवक्किल भी अमीरुल मोमिनीन है, मुस्तासम भी अमीरुल मोमिनीन है, मोतसम भी अमीरुल मोमिनीन है, मोतस भी अमीरुल मोमिनीन है, मौफक भी अमीरुल मोमिनीन है। और फिर यह सिलसिला तुर्कान तातार और तुर्कान आले उस्मान तक आ गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुल्तान अब्दुल मजीद खान यहां तक आ गई बात। यह माजी की तारीख खत्म हुई और एक मरतबा दुनिया ने एक करवट ली, शाही का तसव्वुर हट गया। अब किसी अच्छे से अच्छे आदमी को भी चुनकर अगर कुछ लोग बना डालना चाहें अमीरुल मोमिनीन, तो खुदा की कसम वो खुद भाग खड़ा होता है कि मुझे नजात दीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूं। वो भाग खड़ा होता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। तो आपने देखा, ये माजी की तारीख और है। अब बतलाइए फिक्र इंसानी ने तरक्की की कि नहीं की। बड़ी अजीब बहस है। आप एक धारे पे जा रहे थे जब 655 तक आपने खुलफाए बनी अब्बास को अमीरुल मोमिनीन कहा, जहां 1300 के करीब तक, बल्कि उसके बाद भी कोई 22-25 हिजरी तक, तुर्कान आले उस्मान को खलीफतुल मुस्लिमीन कहा। मगर जब सारी शाही खत्म हो गई तो अब किसी की जबान पर यह लफ्ज आता ही नहीं। किसी मौलवी से कहते हैं आप हो जाइए तो वो राजी नहीं,
किसी बड़े आलिम से कहते हैं आप हो जाइए, तो वो राजी नहीं। कोई बड़े साहब इख्तदार से कहते हैं आप बन जाइए, तो वो राजी नहीं। तो अब सवाल ये है कि कोई राजी नहीं होता है बनने को, तो क्या हम जाहिलियत की मौत मरे? अरे क्या हम जाहिलियत की मौत मरे? यह है इब्ने कुतैबा दैनूरी, अल इमामत व सियासा मम माता व लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीतुल जाहिलिया। जो मर जाए और जमाने के इमाम को न जाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। कहां है इमाम? कहां इमाम? पर्दे की बातों को तो कोई मानता ही नहीं है, तो फिर बतलाइए ना कि ये जाहिलियत की मौत होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रात के निस्फ रात निस्फ शब को हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास पहुंचे कि किसी सूरत अब्दुल मलिक इब्ने मरवान की बयात मैं कर लूं और तेरे तौसुफ से कर लूं, मैं मदीने में हूं, वो दूर है शाम में है। तो उसने कहा क्या बात है, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, ये तो अभी रात का वक्त है, सुबह होने दे। तो कहा नहीं, अगर रात को मर जाऊं तो, इसलिए कि मैंने रसूल को कहते हुए सुना है, ये इब्ने कुतैबा दैनूरी के पूरे अल्फाज है, मैंने रसूल को कहते हुए सुना है जो मर जाए और जाहिलियत की मौत मर जाता है अगर जमाने के इमाम को न पहचाने और क़िलादा बैत गले में न हो। तो हज्जाज ने कहा अली के जमाने में यह हदीस याद नहीं आई थी? हज्जाज ने कहा अली के जमाने में हदीस याद नहीं आई? तो उसने कहा क्यों मजाक करता है? कहा मजाक नहीं करता हूं, जो हकीकत है वो कह रहा हूं, फकत ये कि अली करीम थे, अली जवाब थे, अली को परवाह न थी कोई बयात करे या ना करे। अली जान रहे थे जो मरेगा जाहिलियत की मौत मरेगा, खुद मरेगा, हम क्या करेंगे। तो इस पूरे वाक़े को इब्ने कुतैबा दैनूरी जो मुतकद्दमीन में से है, 282 हिजरी के करीब उसकी वफात है, उसने अल इमामतु व सियासा में लिख दिया। अमीरुल मोमिनीन हिजरत की तारीफ करते हैं, हिजरत क्या चीज, हिजरत आप मालूम है ना, यानी आप अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अल हिजरतु क़ायमतुन अला हद्दिहल अव्वल, हिजरत अपनी हद्द अव्वल तक कायम है, अपनी हद्द अव्वल पर हिजरत कायम है। ला यक़ाउ इस्मुल हिजरा अला अहदिन इल्ला बेमारफतिल हुज्जत फिलार, हिजरत का लफ्ज वाक़े नहीं हो सकता किसी शख्स पर जब तक के जमाने में अल्लाह की हुज्जत को न पहचाने। ला यक़ाउ इस्मुल हिजरा अला अहदिन इल्ला बेमारफतिल हुज्जत फिलार, वमन अरफल हुज्जा फहुअल मुहाजिर, जो हुज्जत को पहचाने वो मुहाजिर है। आपने देखा ये तकसीम, तरके वतन हिजरत नहीं है, तरके आदत हिजरत है, तरके खसलत हिजरत है,
तार के रासम हिजरत है।